29, टीसीए साइकिल इज अ, टीसीए साइकिल क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। तो ये जो टीसीए साइकिल है, क्या ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन का पाथवे है क्या? अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन का पाथवे होता तो इतना एनएडीएच टू एफएडीएच टू नहीं बनाते, फिर उनके ऑक्सीडेशन के लिए ईटीसी में नहीं भेजते। तो ये एक इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन का पाथवे है जिसमें हम इंटरमीडिएट बना रहे हैं, एनर्जी इंटरमीडिएट बना रहे हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे एनर्जी इंटरमीडिएट जैसे कि एनएडीएच एंड एफएडीएच टू बनते हैं, फिर वो जाते हैं किसमें, ये दोनों जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एंड देन फिर उसके बाद एटीपी बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इट इज नॉट अ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे, तो बोथ ए एंड बी भी अट गया, इट इज एन इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।